गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप जुड़ गए अपने पसंदीदा चैनल आरपी पब्लिक स्कूल से। और देखिए प्यारे बच्चों, रोज़ हम आपको बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर लेकर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उपदेशक और प्रेरक कहानियाँ लेकर आते हैं आपकी किताब की इसी श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर आज हम आपको सुनाएंगे पोयम। और ये पोयम बहुत ही सुंदर पोयम है, एक संदेश प्रदान करने वाली पोयम है। तो इससे पहले कि हम आपको कुछ सिखाएं, कुछ पढ़ाएं, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे देश के बच्चों को, सारे देशवासियों को, जितने भी कुछ सिखाने का काम करते हुए एक टीचर होते हैं, उन सभी समाज के, सभी क्षेत्र के जो मार्गदर्शक हैं, जो शिक्षक हैं, उन सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से, आर पी पब्लिक स्कूल के माध्यम से, सभी को आज के दिन यानी कि शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये जो जीवन है मंगलमय हो। और इसी तरह जो टीचर होते हैं, जो कुछ सिखाने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं किसी तरह के, वो हमेशा समाज को या देश को, इस देश की, किसी भी देश की जो जनता होती है, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे होते हैं, उनको गढ़ने का काम करते हैं, उनका निर्माण करने का काम करते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम आप इसी तरह से मिलकर अपने देश की जनता का, अपने देश के जो बच्चे हैं, उन सबको गढ़ने का, उन सबको एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, जिससे हमारा देश और तरक्की करे, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, आकाश को छुए, ऐसी हमारी सभी से अपेक्षा है, कामना है। और इसीलिए एक बार फिर से सारे देशवासियों के जितने भी टीचर हैं, जितने भी मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, सिखाने वाले हैं, गुरुजन हैं, सभी गुरुओं के लिए बहुत ढेर सारी आज के दिन की यानी कि टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका ये लेसन, जिसका नाम है प्रकृति से सीखो। ये पोएम का नाम है बच्चों, प्रकृति से सीखो। बहुत ही सुंदर पोएम है। इस पोएम में बताया गया कि हमें पहाड़ों से क्या सीखना चाहिए, नदियों से क्या सीखना चाहिए, हवा से क्या सीखना चाहिए, जल से क्या सीखना चाहिए, फूलों से क्या सीखना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता किसी कवि ने लिखी है और हमें इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी बातें पेश की हैं, दी हैं, दर्शाई हैं, जिससे कि हम अपने आप को प्रकृति के गोद में बैठाकर उसका बच्चा बनकर, क्योंकि ये प्रकृति अगर नहीं होती तो शायद हमारा आपका जीवन या किसी भी जीव जंतु का जीवन असंभव होता। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में यूज की जाती हैं, हमारे शरीर के लिए यूज़ की जाती हैं, सारा की सारा जो मटेरियल है वो सब प्रकृति से मिलता है। कपड़े लीजिए आप, मकान घर बनाने के लिए आप ईंट लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, जितनी भी भौतिक सामग्री है सब प्रकृति से। हवा, ऑक्सीजन, जल, पानी, पहाड़, बर्फ, सब कहाँ से मिलता है? सब मिलता है प्रकृति से। औषधियाँ कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से मिलती हैं। तो इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और अपने आसपास की जो प्रकृति है, जो क्षेत्र, उसको साफ सफाई से, उसको सुशोभित और संरक्षित रखना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, जिससे हमारे आसपास की प्रकृति अच्छी होगी, माहौल अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारा वहाँ पर रहने का, पढ़ने का खूब मन करेगा, मन लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये सब इस पोयम में बताया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं बुक से आपकी पोयम। बहुत ही सुंदर पोयम है, प्रकृति से सीखो। चलिए आइए पढ़ते हैं बुक। चलिए बच्चे शुरू करते हैं आपकी जो पोएम, अभी उन्होंने आपको उसके बारे में समझाया था। बहुत ही सुंदर पोएम है, कक्षा 4 की बुक है, स्काईलाइन बुक्स, हिंदी स्तर भी इस किताब का नाम है। तो शुरू कर देते हैं प्रकृति से सीखो। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति से सीखो इस कविता का नाम है। कविता जो संख्या है, पाठ संख्या, वो 4। और बहुत ही सुंदर, देखिए बादल को सिखा रहे हैं, सूर्य को सिखा रहा है, पक्षी को सिखा रहे हैं, ये हवाएँ को सिखा रही हैं। इस तरह से बहुत चीज़ हमें प्रकृति से सीखने को मिलती हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पोएम है प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ लेते हैं ये पोयम। बहुत ही अच्छी पोयम और ज्ञानवर्धक पोयम है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते चलेंगे, बाकी हमने आपको बताया दिया था अभी पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ये सुंदर सी पोयम। देखिए उंगली रख लेंगे सारे बच्चे। देखो लिखा है, बादल कहता धन बल पाकर। बहुत ध्यान सुनेंगे कविताएं, क्योंकि गा कर पढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मुझे तो भाई मज़ा आता है गा कर पढ़ने में, भले ही आपको शायद ना आए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे आनंद लेने का और कुछ सीखने का। बादल कहता धन बल पाकर झुक जाओ कुछ नम्र बनो। नम्र का मतलब विनम्र, कोमल, यानी कि किसी के प्रति झुकना, किसी के प्रति नमना है ना।
और लिखा है, और से हित कुछ दे कर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। कुछ लोग और से हित कुछ देकर, यानी कि किसी से प्रेम करना, किसी से हित करना, हित का मतलब लगाव रखना, ऐसा ना कर, ऐसा देकर मत, यानी कि मत माने मत करना, अहंकार, अहंकार माने क्रोध। आपको बिल्कुल, कुछ लोग कोई होते हैं कि अहंकार में क्रोध में तने रहते हैं, किसी का झुकना पसंद नहीं करते, किसी से नमस्ते करना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, मेरे सामने कुछ और है नहीं, अहम ब्रह्मास्मि समझते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बादल कहता धनबल, बादल क्या कहता है कि धनबल, क्योंकि बादल क्या होता है, जब वो पानी इसमें भरा होता है तो देखो जगह जगह बरस जाता है, नीचे आ जाता है, है ना, हमको पानी दे देता है। ऐसे हमारे पास अगर कुछ है तो हम भी दूसरे की मदद करना सीखें, ये हमें बादल बच्चों सिखाता है। अब देखिए सूर्य की किरणें हमें क्या सिखा रही हैं, बच्चों ध्यान से समझिए, ये लिखा है, देखिए, चंचल पुलक किरण कहती है सारा जग जग मग कर दो, दीन राश हृदयों के भीतर आशा उजियारा भर दो। कितनी सुंदर बात इस कविता में देखो कवि ने कही है कि चंचल पुलक, पुलक माने होते हैं नई पावन, और चंचल माने चंचल, नटखट समझते हैं आप लोग, जो सूर्य की नटखट किरणें हैं, चंचल किरणें हैं सुबह सुबह, मैं समझा रही हैं कि इसी तरह से हम भी अपने अच्छे कामों से, अच्छी आदतों से, अच्छे व्यवहार से सारे संसार को, सारे समाज को, सारे जग को कैसा कर दें, जगमग कर दें, अच्छा बना दें, लोग हमारी तारीफ करें, उजाला कर दें। दीन राश हृदयों के भीतर आशा उजियारा भर दो, यानी कि जिस तरह से किरण जो होती है, निराश जो हृदय होता है, निराश मन होता है, उसके भीतर जाकर एकदम आशा, आशा माने उम्मीदें, और उजियारा माने प्रकाश, है ना, प्रकाश भर देना चाहिए हमें, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, दूसरों के जो दुख हैं, परेशानियाँ हैं, उनको कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए हटाकर उनके मन में हमें प्रसन्नता देनी चाहिए, ये हमें सूर्य की किरणें सिखाती हैं। और देखिए पक्षी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह के, कह रहे हैं देखो, सुबह सुबह पक्षी कहते हैं उठो भोर में उठ कर गाओ, सूरज के जगने से पहले उठो काम पर लग जाओ। अब देखो पक्षी कह रहे हैं, पक्षी क्या होता है, आपने देखा होगा आपके उठने से पहले जैसे सूर्य निकलता नहीं है, थोड़ी सी रोशनी होती है, यानी कि उषाकाल होता है, है ना, तभी पक्षी गुनगुनाने लगते हैं, ची ची चें चें करने लगते हैं, चहचाने लगते हैं, कितना सुंदर लगता है सुबह सुबह। तो पक्षी हमसे कह रहे हैं कि हमें भोर यानी कि सुबह सूरज के जागने से पहले, सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए, और उठकर अपना जो काम धंधा है, अपना जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें लग जाना चाहिए, उसके बाद अपने काम पर चले जाना चाहिए। ऐसी हमें क्या बता रहा है ये सूरज के सुबह के पक्षी बता रहे हैं बच्चों। और देखो ये हवा, देखो पेड़ सूख गए आप चित्र में देख रहे होंगे, तो हवा हमें क्या समझा रही है, जो वायु है वो क्या समझा रही है, सुने ध्यान से। शीतल मलय पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो, सो हंसाओ लहराओ नित चेतन मुक्त सुशील बनो। शीतल ठंडी, मलय पवन यानी कि बहुत ही शीतल ठंडी, और जो हवा है वो हमसे क्या कह रही है कि मुझे जैसे गतिशील, गतिशील माने लगातार चलते रहना। हम लोग क्या करते हैं, आलसी हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कोई काम में मन नहीं लगाते। तो बच्चों हवा हमें समझा रही है कि हमें रोज ही हंसना, हंसते रहना है, दूसरों को हंसाते रहना है, चेतन मुक्त सुशील बनो, यानी कि चेतन मुक्त सुशील कहने का मतलब हमें तुम्हारी चेतना है उसमें हमें विश्वास होना चाहिए कि हम चैतन्य हैं, अर्थात हम जीवित हैं, हम इसलिए हंसते लहराते रहना चाहिए और लगातार अपने काम में लगे रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, ऐसी हमें हवा संदेश देती है। और देखो नदियाँ क्या कहती हैं हमसे, नदी क्या हमें क्या समझा रही कविता के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही सुंदर पोएम है ये। देखो लिखा है, बहती हुई सरिता कहती है, सतमन नदी बहती हुई सरिता कहती है सबका हित करते जाओ, जैसी जिसकी खास जरूरत पूरी करके सुख पाओ। अब होता क्या है, हमें जो नदियां हैं वो हमें समझा रही हैं कि लगातार हमें बहते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चराय वेती यानी चलते रहिए है ना, तो सबका हित करते जाओ। नदी क्या होती है, देखो कहाँ से पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रही है, कहाँ तक जा रही है, और सब उसमें पानी पी रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई अपने सिंचाई कर रहा है, कितनी देखो सबके काम में आती रहती है, सबका हित करती रहती है। ऐसे नदी हमें समझा रही है कि हम भी अपने जीवन में लगातार काम में लग रहे हैं, आगे बढ़ते जाएँ, दूसरों की हेल्प करते जाएँ, दूसरों की मदद करते जाएँ, जैसी जिसकी खास ज़रूरत
है ना, उसको पूरा करके अब आप शायद विश्वास नहीं होगा आपके लिए, आप कभी किसी की मदद करके देखना, किसी के कुछ हेल्प करके देखना। जिस दिन आप मदद करेंगे, जिस दिन आपके लिए कुछ करेंगे, आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, उस दिन आपकी आत्मा में आपको बहुत ही शांति, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत शांति प्राप्त होगी, ऐसा आप महसूस करके देखना, कभी करके देखना। वो नदियाँ बता रही हैं कि हमें दूसरे की मदद करके और हमें सुख को प्राप्त करना है। पर देखो झरने क्या कहते हैं, पानी झरझर बहता, वो क्या हमें समझा रहा है, झर 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 निर्झर कहता है, मत बाधा अवरोध बनो अपनी राह बनाओ, श्रम से शंकित भय से कभी न बनो। मतलब जो झरना है वो कहता हमें किसी के बीच में अवरोध, किसी बीच में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, जो कर रहा है करने दो, चल रहा है चलने दो, बढ़ रहा है बढ़ने दो, और उत्साहित करो कि हाँ भाई अच्छा काम करे, बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तुम भी ऐसा करो, बहुत बढ़िया। ये हमें कहना चाहिए, अपनी राह बनाओ श्रम से और अपनी मेहनत से हमें अपने रास्ते को चुन लेना चाहिए। हमें क्या करना है, कभी मन में शंका भय ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए और निर्भय होकर अपने रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। और देखो क्या कहता है सागर, समुद्र क्या कहता है, गरज गरज सागर कहता है, बल पाकर गंभीर बनो, मर्यादा को कभी न भूलो, दृढ़ी बल व्रतधारी। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे धारी नहीं होना चाहिए, धीर होना चाहिए, धीर बनो, ये थोड़ा किताब में गलत छप गया बच्चों, ये धीर बनाओ ये होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा गलत है, कोई नहीं, मर्यादा को कभी न भूलो, दृढ़ी बल व्रत धीर बनो। मतलब हमें सागर हमें समझाता है कि हम बल पाकर कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी हमें कितना भी हम कहने बोले संपन्न हो जाएं, हमें अपने हमें फिर भी ये सब पाकर गंभीर रहना चाहिए। सागर कितना गंभीर होता है, कितना शांत होता है, कितने इसके अंदर संपत्तियाँ भरी हुई हैं, कितने रत्न जड़ी मणियाँ भरी हुई हैं, फिर भी वो उसको कोई घमंड नहीं, कितना गंभीर रहता है। और सागर कहता है कि हमें अपनी मर्यादा नहीं, देखो नदियाँ कटाव करती हैं लेकिन कभी समुद्र कटाव करता नहीं, सुना होगा आपने, वो अपनी जगह बहता चला जाता है, अपने अंदर पानी को समेटता जाता है, जितनी नदियाँ थी सब समुद्र में आ जाओ भाई, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, सबको मिलाता जाता है, कभी घमंड नहीं करता। इस तरह समुद्र कहता है कि हमें अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने काम पर अपने जो हमारे इरादे हैं, जो पक्के इरादे हैं, उन पक्के इरादों को मजबूत और करते रहना चाहिए और बलव्रत यानी कि अपने संकल्प को ध्यान रखना चाहिए और धैर्यवान बनना चाहिए। इस तरह से हमें कविता सिखाती है बच्चों, प्रकृति से हमें ये सब सीखना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रकृति को पूजते हुए नदियाँ भी पूजते हैं, पहाड़ भी पूजते हैं, जल को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, पशुओं को भी पूजते हैं। यही हमें संदेश देना चाहिए बच्चों समाज में कि ये लोग हमें कुछ ना कुछ देती हैं चीज़ें, तो हमें भी इनको बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए, इनसे को सीखना चाहिए, ये इसमें शिक्षा है बच्चों। फिर भी पढ़ लेते हैं, देखो प्रस्तुत कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलती है जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है आपको एक पोएम बहुत ही सुंदर लगी होगी, अच्छी लगी होगी आज के इस पावन दिन पे। तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को खूब शेयर करेंगे, खूब देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से पूरी पोएम का सार जो है, पूरी पोएम का जो संदेश है वो समझ में आ जाए, और को शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, पोएम कैसी लगी, पढ़ने का हमारा ढंग कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो प्यारे बच्चों ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। और अगर कोई त्रुटि है वो भी बताइएगा, जिससे हम उसमें सुधार करें। तो हमें आपसे ऐसी अपेक्षाएँ हैं, कामनाएँ हैं। चलिए अब आगे की वीडियो तक, नमस्कार, जय हिंद।